हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवजीत सिंह। दोस्तों, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि हमारा सिलेबस क्या है सोसाइटी का, और आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं उसके फर्स्ट टॉपिक से, जो कि इंडियन सोसाइटी का फर्स्ट टॉपिक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखिए, इंडियन सोसाइटी आपका जीएस पेपर वन में मेंशन है। मैं इसको बार बार कह रहा हूँ कि ये बहुत ही अटरंगी आपका सिलेबस है, बहुत ही अटरंगी आपका टॉपिक है। ये आपका एसए से लेकर के GS4 तक का सफर तय करेगा और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इसलिए मेरी ये को पूरी कोशिश रहेगी दोस्तों कि ये जो इंडियन सोसाइटी वाला टॉपिक है, इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो। केवल देखिए, केवल मटेरियल, केवल PDF प्रोवाइड करवाना ही उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य ये है कि इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग आपके पास हो, ताकि केवल देखिए, केवल आपका जीएस पेपर वन में ही नहीं, जहाँ पे भी जैसे भी इसकी ज़रूरत लगे आप उसका प्रयोग कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है, लेकिन हाँ, उसके पहले एक रिक्वेस्ट जरूर है दोस्तों, सब्सक्राइब करना मत भूलना मित्रों, भाइयों एवं बहनों, क्योंकि यही एक माध्यम है जिससे आप हमको मोटिवेट कर सकते हैं, है ना। मोटिवेट करते रहिए और हमारा फायदा उठाते रहिए, जैसा कि अभी तक लोगों ने फायदा उठाया है। ओके, तो खैर, हम अपना काम तो करते ही रहेंगे, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले सबसे पहली बात तो यही है कि आप इस चीज़ को समझो कि सोसाइटी या समाज किसे कहते हैं। और हाँ दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो PDF मैं प्रोवाइड करवाऊंगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिलेगा, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये जो PDF है दोस्तों, ये एक बार सारे लेक्चर्स जब खत्म हो जाएंगे तो पूरा कंपाइल्ड आपको मिल जाएगा, और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको मिलेगा, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ये फायदेमंद हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि सोसाइटी क्या होता है। देखिए, सोसाइटी इज द पैटर्न ऑफ सोशल रिलेशनशिप। देखिए, जब भी आप डेफिनेशन लिख रहे हो ना, तो कुछ शब्दों को आप जो है ना अंडरलाइन कर लो, इसको दिमाग में डाल लो। इन शब्दों का प्रयोग होना जरूरी है, मस्ट है, तभी आपका जो डेफिनेशन होता है वो कंप्लीट होता है। तो सोसाइटी क्या है? सोसाइटी एक रिलेशनशिप का क्या है, पैटर्न है। और ये कैसे बनता है? फॉर्म्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। एक सोसाइटी में लोग रह रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कि अभी सोसाइटी की बात हटा ही दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि कुछ कर रहे हैं, है ना, आपस में शादी ब्याह कर रहे हैं, आपस में चुनाव लड़ रहे हैं, राइट। आपस में मान लीजिए कोई मार्केटिंग कर रहे हैं, कोई अदर एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई सोशल फंक्शन कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। और जैसे ही किसी भी सोसाइटी में, किसी भी क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच में अगर जब इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, टू वे इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, तो वह पैटर्न एक अगर निश्चित डायमेंशन में है तो उसको हम एक सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गई सोसाइटी की सिंपल सी डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। दैट मीन्स एन इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू अदर थ्रू द टाइज ऑफ। अब ये जो रिलेशनशिप है, ये जो इंटरेक्शन है, ये कैसे हो सकता है? किनशिप मतलब रिश्तेदारी, मैरिज मतलब शादी विवाह, नेबरहुड मतलब पड़ोसी हो सकते हैं, या फिर डिफरेंट टाइप के कास्ट होते हैं, और कास्ट में भी क्या हो सकता है, हायरार्की होती है, और उस हायरार्की के थ्रू एक दूसरे से वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। उसके बाद या फिर उनका कोई पेशा हो सकता है, ऑक्यूपेशन हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, भाई रिलीजियस लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, पॉलिटिक्स की बात हमने कर ली, और पीएस ग्रुप है, भाई दोस्त यार हैं, है ना, आपके दोस्त हैं, आपके दोस्त हैं, दो दोस्त मिल गए, कहानी शुरू, सोसाइटी बन गई। ओके, तो ये हो गई सोसाइटी की प्रॉपर डेफिनेशंस। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इंडियन सोसाइटी में क्या क्या गुण हैं, ये चीज अगर हम देखने की कोशिश करें, तो उसमें जो सबसे पहली चीज हमको देखने देखने को मिलती है वो होती है मल्टी एथनिक सोसाइटी। मतलब यहाँ पे एक एथनिसिटी नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एथनिसिटी हैं, बहुत सारी एथनिक ग्रुप्स हैं, ऑस्ट्रोलॉयड, मंगलॉयड, काकेसाइड सारे मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मल्टीलिंगुअल है, कोई तेलुगु बोल रहा है, कोई तमिल बोल रहा है, कोई हिंदी बोल रहा है, कोई मलयालम बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, तो बहुत सारी भाषाएं हैं। बहुत सारी क्लासेज हैं, बहुत सारी क्लास हैं सोसाइटी में, है ना, अपर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, है ना, इकोनॉमिक क्लास, और तमाम क्लास बहुत सारी। फिर उसके बाद पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पापा का कहना ज्यादा माना जाता है परिवार में, वनस्पति मम्मी के, है ना, मम्मी के मम्मी अगर बहुत ज्यादा
इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी टाइप की हैं तो बात अलग है, अदरवाइज मम्मी का जो कहना होता है वो थोड़ा सा कम यूजफुल माना जाता है ना। अभी देखिए, ये जो वीमेन वाला पोर्शन है ये भी अगला टॉपिक में हम लोग करेंगे, तो वहाँ पे और अच्छे से इसको समझेंगे। फिर उसके बाद बहुत सारी डाइवर्सिटीज तो हैं, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल जियोग्राफिकल हिस्टोरिकल बहुत सारी डाइवर्सिटीज तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ यूनिटी भी है, ये भी हमारे सोसाइटी का एक गुण है। फिर उसके बाद को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निज्म, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। कोई आप देखिए मेट्रो सिटी कहीं पे भी आप देखिए, कोई लड़की है वो जीन्स टॉप पहनी हुई है लेकिन साथ में क्या है चूड़ियां भी पहनी हुई है, अपने उसमें बिंदी भी लगाई हुई है ना, तो सिंदूर लगाई हुई है, मंगलसूत्र पहना हुआ है। तो हमारे यहाँ क्या है, एक ट्रेडिशनल सोसाइटी तो है कि भाई जो चूड़ी पहनना है वो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, जो बिंदी लगाना है वो हमारा ट्रेडिशन है, कल्चर है, लेकिन साथ में जीन्स और टॉप भी पहनना है तो ये मॉडर्निटी को भी दर्शाता है। तो ये इंडिया का बहुत ही अच्छा एक यूँ समझ लीजिए कि कल्चरल डाइवर्सिटी जो देखी जाती है, ये बहुत ही अच्छा मैसेज पूरे विश्व को जाता है कि इंडिया दोनों गुण धर्मों को एक साथ कैरी करता है, कि हम ट्रेडिशनल भी हैं और उसके साथ साथ मॉडर्न भी हैं, है ना। स्मार्टफोन भी रहेगा लेकिन मेहंदी लगेगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अलग बात है कि मेहंदी लगने के बाद स्मार्टफोन चलाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद बैलेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिज्म एंड मटेरियलिज्म, अब हम स्पिरिचुअल तो हैं, भगवान भगवान तो करते रहते हैं, सुबह उठ के 4 अगरबत्ती सुलगा देते हैं, है ना, हनुमान चालीसा 2 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो अगला इंटेंशन है वो पैसा कमाने का भी है, मतलब हम प्रॉफिट मोटिव भी हैं। देखिए रिलीजियस होने का मतलब ये होता है ना कि अगर जैसे मान लीजिए आप स्पिरिचुअलिज्म में विश्वास करते हैं तो आप सबका भला चाहते हैं, है ना, ये नहीं है कि आप केवल प्रॉफिट के पीछे भागें, आपको आप ऐसे भी काम करते हैं जहाँ पे आपको प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, सेम व्यक्ति घर में बैठ के 2.5 घंटा हनुमान चालीसा पढ़ेगा और उसके साथ साथ जा करके फिर प्रॉफिट में जुट जाएगा, गैम्बलिंग करना शुरू कर देगा। ओके, तो ये इस तरह का भी हमको जो है देखने को मिलता है। उसके बाद बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म, हमारे यहाँ ये एक बहुत विचित्र चीज है और ये अच्छी चीज भी है कि हमारे यहाँ जो व्यक्तिक स्वतंत्रता है, जो इंडिविजुअल स्वतंत्रता है वो भी है, और उसके साथ साथ जहाँ पे कलेक्टिवनेस की जरूरत होती है, सिविल सोसाइटी या सोशल ऑर्गेनाइजेशन सोशल इंस्टीट्यूशंस, वहाँ उसकी जरूरत होती है, वो भी हमको दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारे करेक्टरिस्टिक्स हैं, जो गुण हैं, वो क्या क्या हैं, ये सारी चीजें हैं। हम बहुत सारे इथनिसिटी से बिलोंग करते हैं, हमारा लैंग्वेज अलग अलग है, क्लासेस बहुत ज़्यादा हैं सोसाइटी में, पापा ज़्यादा बोलते हैं मम्मी कम बोलती हैं, फिर उसके बाद यूनिटी है, डाइवर्सिटी है, ट्रेडिशन भी है, मॉडर्न भी हैं हम, उसके बाद हम स्पिरिचुअल भी हैं और मटेरियलिज्म भी हमारे अंदर है, फिर उसके बाद हम इंडिविजुअल रूप से भी कार्य करना चाहते हैं और कलेक्टिव रूप से भी कार्य करना चाहते हैं। तो ये सब सारे हमारे क्वालिटीज हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद दोस्तों अगला जो है, अगर इंडियन सोसाइटी के फीचर्स की बात करें, हम फीचर्स की बात करें तो हमारी सोसाइटी में कास्ट सिस्टम दिखाई देता है, रिलीजियस सिस्टम दिखाई देता है, मतलब बहुत सारे रिलीजन हमको दिखाई देते हैं, फिर उसके बाद नाते रिश्तेदारी मतलब किनशिप दिखाई देता है, और एक विवाह की परंपरा दोस्तों जो वेस्टर्न वर्ल्ड से हमको अलग करता है वो है मैरिज इंस्टीट्यूशन, और उसके बाद फैमिली, फैमिली सिस्टम हमारे यहाँ है, चाहे वो छोटी फैमिली हो बड़ी फैमिली हो लेकिन फैमिली जरूर होती है सबकी, है ना। अब वो अलग बात है कोई ऑर्फनेज में है कोई ऑर्फन है, वो अलग बात है, अदरवाइज हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम चलता है, जो कि ये दोनों चीजें, इनफैक्ट ये तीनों चीजें हमको जो है वेस्टर्न वर्ल्ड से अलग करती हैं, एक अलग पहचान दिलाती हैं। अगर हम कास्ट सिस्टम की बात करें, इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो फीचर्स की हम बात कर रहे हैं, एक एक करके हम पांचों के बारे में देखेंगे, है ना, उसके उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है कैसे है ना। तो उसमें सबसे पहला देखिए कास्ट सिस्टम, कास्ट क्या है दोस्तों, ये एक्चुअली आसान भाषा में अगर हम समझाएं तो एक ग्रुप ऑफ पीपल है ना, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिसको एक सोशल आइडेंटिटी दी गई है, सोशल आइडेंटिटी दी गई है कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो ये सोशल आइडेंटिटी दी गई है और किसके द्वारा दी गई है दोस्तों, ये सोसाइटी के द्वारा ही दी गई है। तो ये सोसाइटी के द्वारा दिया गया किसी ग्रुप ऑफ पीपल को सोशल आइडेंटिटी होता है, क्या कास्ट होता है। अगर इसका हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो कास्ट कैन बी डिफाइंड एज द हेरिडिटरी, ये वर्ड इम्पोर्टेंट है,
एक बार अगर आप जिस वंश में पैदा हो गए, जिस जाति में पैदा हो गए, आप बदल नहीं पाएंगे, है ना। उस घर में, उस वंश जाति में जितने लोग पैदा होंगे उस सेम कास्ट के ही होंगे, आप कुछ भी कर लो वो बदल नहीं पाएगा, है ना। तो इस वर्ड को याद रखना, हेरिडिटरी है ये। कास्ट कैन बी डिफाइंड एज हेरिडिटरी इंडोगैमस ग्रुप हैविंग ए कॉमन नेम, कॉमन ट्रेडिशन, कॉमन ऑक्यूपेशन, कॉमन कल्चर, रिलेटिवली रिजिड इन मैटर्स ऑफ मोबिलिटी, है ना, डिस्टिंक्टिवनेस होता है, एंड स्टेटस ऑफ फार्मिंग अ सिंबल सिंगल होमोजिनस कम्युनिटी। तो ये एक प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर हम इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसके फीचर्स की बात हम करें, तो सबसे पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर है दोस्तों, वो है सेगमेंटल डिवीजन ऑफ द सोसाइटी। मतलब हमारे यहाँ जो सोसाइटी का डिवीजन है ना दोस्तों, जो स्ट्रेटिफिकेशन किया गया है, मतलब जो सामाजिक स्तरीकरण किया गया है, स्तरीकरण का बेस क्या है, कास्ट है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है जो इंडिया में कास्ट सिस्टम है उसका। उसके साथ साथ जो अगला फीचर है वो है हायरार्की का। इट इंडिकेट्स दैट द वेरियस कास्ट आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू दियर प्योरिटी एंड इम्प्योरिटी ऑफ द ऑक्यूपेशन। मतलब कास्ट से ऑक्यूपेशन रिलेटेड है, और ऑक्यूपेशन से ही आपकी समाज में हायरार्की निश्चित की जाती है, सुनिश्चित की जाती है। उसके बाद सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अभी तो मान लीजिए कम हो रही है धीरे धीरे जैसे जैसे हम मॉडर्न हो रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो लोअर कास्ट के ग्रुप उसको एक्सेस नहीं कर सकते थे, वहां पे नहीं जा सकते थे। जैसे गांव के कुएं में कोई छोटे जाति के लोग वहां से पानी नहीं पी पाते थे। फिर उसके बाद टेम्पल में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, इवन अभी भी बहुत सारे टेम्पल्स में एंट्री जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है ना। तो ये चीजें हैं हमारे यहाँ का जो फीचर है। उसके बाद इंडोगैमी है, मतलब यादव हो तो यादव में विवाह करो, ठाकुर हो तो ठाकुर, अदर कास्ट में गए तो फिर देख लेना अपनी, तुम्हारी खैरियत नहीं है, जिस कास्ट में हो उसी कास्ट में शादी करो। फिर उसके बाद अनटचेबिलिटी वाला एक जो मुद्दा हमको देखने को मिलता है, हालांकि अभी तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी पर्याप्त मात्रा में है। मतलब छोटे लोगों के साथ ना कोई उठना बैठना चाहता है, ना उनके साथ खाना पीना चाहता है, ना तो उनके साथ कोई इस तरह का जो सोशल फेयर होता है, सोशल कस्टम होता है, उसमें कोई पार्टिसिपेट करना चाहता है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कि हमारे यहाँ फीचर है। उसके अलावा मैनुअल स्केवेंजिंग, एक ये बहुत ही दुखद समाचार है दोस्तों, कि जो मैनुअल स्केवेंजिंग है ये आज के दिन में एक किसी कास्ट विशेष से जाकर के चिपक गई है ना। किसी विशेष कास्ट के लोग ही मैनुअल स्केवेंजिंग करते हैं। मैनुअल स्केवेंजिंग का मतलब दोस्तों ये होता है कि जो, जैसे मान लीजिए कोई सेप्टिक टैंक साफ साफ कर रहा है, हाथ से कोई मैला उठा रहा है ना, तो ये सब साफ सफाई का काम, तो ये मैनुअल स्केवेंजिंग है। हालांकि अभी हमारा जो एक एक्ट है ना, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्केवेंजर्स एंड दियर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013, इसके थ्रू इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन अभी देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी है और थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्सी भी है अपने यहाँ, तो अभी इसको एबोलिश होने में, देखिए इसको एबोलिश करने के लिए हमको क्या चाहिए, बिहेवियरल चेंज चाहिए। लोगों के बिहेवियर में चेंज जब तक नहीं आएगा, तब तक ये सब सोशल समस्याएं हैं दोस्तों, और सोशल समस्याओं का निदान सोसाइटी से खुद आना चाहिए। इसमें आप गवर्नमेंट या फिर कोई इस तरह का लीगल प्रोविजन कर दीजिए, कोई पनिशमेंट रख दीजिए, तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं साबित होता है। फिर उसके बाद कास्ट बेस्ड वायलेंस, इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी है, ये हमेशा मॉब लिंचिंग के बारे में या किसी अदर फॉर्म में हमको हमेशा दिखाई ही देता है। फिर उसके बाद पॉलिसी ऑफ कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन, कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है हमारे यहाँ, ये भी एक अलग ही अपने में अलग प्रकार का ही एक करेक्टरिस्टिक फीचर है इंडियन सोसाइटी का और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, है ना। तो ये सब सारी चीजें हैं जो कास्ट सिस्टम के हमारे यहाँ करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। उसके बाद कुछ समय में, इनफैक्ट 1951 में जब हम आज़ाद हुए, तो तभी से हमारे यहाँ जो कास्ट सिस्टम है उसमें परिवर्तन तो देखने को मिला है। हालांकि कास्ट सिस्टम में परिवर्तन लाने के लिए जब हम ब्रिटिशर्स से लड़ रहे थे, उसके साथ साथ हम अपनी सोसाइटी से भी लड़ रहे थे, उस समय भी बहुत सारे परिवर्तन हमको देखने को मिले भी थे, लेकिन वो परिवर्तन बहुत ज़्यादा फायदेमंद या विजिबल नहीं हुए थे। लेकिन 1951 के बाद इसमें थोड़ी सी तेजी आई, और 1991 के बाद तो पूछो मत, ग्लोबलाइजेशन जैसे ही आया, एलपीजी, है ना, तो उसके बाद चेंजेज आए। और ये चेंजेज किस किस चीज में आए, ट्रेंड्स इन इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज का ट्रेंड अभी हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बढ़ा है। फिर उसके बाद ऑर्थोडॉक्सी जो थिंकिंग थी लोगों की, उसको घर के लोग खुद ही चैलेंज किए। फिर उसके बाद न्यू फूड हैबिट आई, और ये भी आप ये इस तरह से समझ लीजिए कि
एक कास्ट सिस्टम में चेंज था, क्योंकि अभी देखिए पहले के कास्ट सिस्टम में जो पंडित लोग थे वो नॉनवेज नहीं खाते थे, आज सभी दबा के खा रहे हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फूड हैबिट चेंज हुई है, ये एक इंडिकेशन है, बाकी आप खुद समझदार हैं। फिर उसके बाद चेंजेज इन ऑक्यूपेशन, दोस्तों पहले क्या था, राजा का बेटा ही राजा बनता था, है ना। लेकिन अभी जो है राजा का बेटा केवल राजा नहीं बनेगा, अभी मिर्जापुर की गद्दी पर भी राजा का बेटा बैठ सकता है ना। तो ये सब सारी चीज़ें, ये परिवर्तन देखने को मिला है। फिर उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन द पोजीशन ऑफ लोअर कास्ट, लोअर कास्ट के पोजीशन में भी इम्प्रूवमेंट आया है। हालांकि वो चाहे जिस तरह से आया हो, चाहे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से आया हो, चाहे लीगल प्रोसेस से आया हो, किसी भी तरह से आया हो, एक्ट बना के आया हो, लेकिन ये है कि लोअर कास्ट के पोजीशन में चेंजेस आए हैं, चाहे वो सोशल पोजीशन हो, चाहे वो इकोनॉमिक पोजीशन हो, पॉलिटिकल पोजीशन हो, या फिर कोई ऑक्यूपेशनल पोजीशन हो, है ना। आज जो है लोअर कास्ट के अधिकारी भी बन रहे हैं, लोअर कास्ट के लोग राष्ट्रपति भी बन रहे हैं, तो तमाम चीज़ें हैं जो कि उनके स्टेटस और उनके पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो कास्ट सिस्टम में दोस्तों ये जो चेंजेज आए हैं, वो चेंजेज क्यों आए हैं, सबसे पहला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है संस्कृताइजेशन। संस्कृताइजेशन का मतलब दोस्तों ये होता है कि हर कोई व्यक्ति चाहता है कि अपने आप को ऊंची कास्ट में दिखाए, और उसके लिए वो क्या करता है, अपना फूड स्टाइल चेंज कर दिया, अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर दिया, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दिया, उनकी तरह बातचीत करना शुरू कर दिया, तो अपने आप को घोषित कर दिया कि वो क्या है कि अपर कास्ट से बिलोंग करता है। तो ये जो संस्कृताइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, हालांकि अभी इसका अपोजिट भी हो रहा है ना। लोग जो है रिजर्वेशन लेने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, मैं छोटी कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो ये अलग चीज़ है। तो संस्कृताइजेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है था कास्ट सिस्टम का, जो हमारे यहाँ रिजिड सिस्टम था उसको फ्लेक्सिबल बनाने में। फिर उसके बाद ऑब्वियसली वेस्टर्नाइजेशन, हम जो है अलग अलग तरह के एजुकेशन आइडियाज से एक्सपोज हो रहे हैं, अलग अलग फूड हैबिट अपना रहे हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस चेंज हो रहा है, स्टाइल ऑफ ईटिंग चेंज हो रहा है, और इसके साथ साथ तमाम चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कास्ट सिस्टम को लोग जो है चैलेंज कर रहे हैं। फिर उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, हम मॉडर्न हो रहे हैं, है ना। साइंटिफिक आउटलुक हमारा हो रहा है, रेशनल एटीट्यूड हो रहा है, हम अंधाधुंध किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, हम सोच समझ के विश्वास करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी है उसको चैलेंज कर रही हैं। फिर उसके बाद देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, शहर में ना, शहर में आप देखिए कुछ छोटा बड़ा कोई नहीं होता है, कोई पूछता भी नहीं है, अगर आपके पास पैसा है ना तो आप सब कुछ है आपके पास। तो ये सब चीज़ें हैं चेंज कर रही हैं। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, अभी जैसे एक चीज़ थोड़ा छोटा सा यहाँ पे एग्जाम्पल है कि पंचायती राज सिस्टम, आपके यहाँ का प्रधान कौन है ये मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो यहाँ से भी कास्ट सिस्टम पे चैलेंज हुआ है, कास्ट सिस्टम की जो रिजिडिटी है उसको चैलेंज किया गया। आप इस चीज़ को भलीभांति समझ रहे होंगे, इसलिए मैं उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में अंदर नहीं जा रहा हूँ। फिर उसके बाद कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हो रही है, और पॉलिटिक्स को लेकर के कास्ट के बारे में बात हो रही है, तो ये सब सारी चीज़ें। उसके बाद लेजिस्लेटिव मीजर्स, मतलब बहुत सारे एक्ट, पॉलिसीज, लॉ, ये सब सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो कास्ट की रिजिडिटी है वो चेंज हो रही है। अब उसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक है, अगला जो हमारा फीचर है इंडियन सोसाइटी का, वो है रिलीजियस प्लूरिज्म। तो इसमें देखिए बहुत ज़्यादा हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे यहाँ हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, सारी चीज़ें हैं, शिव हैं, वैष्णव हैं, बहुत सारी। तो रिलीजियस प्लूरिज्म हमारे यहाँ पे है, ये एक अपने यहाँ का क्या है, फीचर है अपने यहाँ की सोसाइटी का। उसके बाद जो तीसरा है वो है किनसिप, मतलब रिश्तेदारी। और रिश्तेदारी किसे कहते हैं, रिश्तेदारी रेफर्स टू ए सेट ऑफ पर्सन रिकग्नाइज एज ए रिलेटिव्स ईदर बाई वर्च्यू ऑफ ब्लड रिलेशनशिप आर बाई द मैरिज। रिश्तेदारी दो तरह से होती है दोस्तों, एक कि आपका, आप एज ए इंडिविजुअल किसी से आपका ब्लड रिलेशन हो, मम्मी पापा भाई बहन ये सब सारी चीजें, ठीक है, बुआ मौसा मौसी फूफा फूफी सारी चीज, तो ये हो गया ब्लड रिलेशन। दूसरा कि आप जब शादी करते हैं तो जिस घर में आपकी शादी होती है उससे, तो आप शादी के पहले आपका उनसे कोई रिलेशन नहीं होता है, शादी होती है ना, शादी होने के बाद उसके साथ आप एक रिश्तेदारी में जुड़ जाते हैं, है ना। अब जैसे देखिए रिश्तेदारी जब बनती है तो ये केवल जैसे आप किसी से शादी कर रहे हैं तो जो लड़की है और जो लड़का है यही दोनों के और रिश्तेदार नहीं होते हैं, इन दोनों के घर वाले भी रिश्तेदार होते हैं,
लड़के के घर वाले को सास ससुर मिलते हैं, उसके साथ साली भी मतलब साली और साला भी मिलते हैं, और सिमिलरली जो लड़की वाली जो लड़की आती है लड़की को भी सास ससुर मिलते हैं, ननद मिलते हैं, तमाम चीजें हैं ना, ठीक है। और इसी तरह से ये फैमिली पूरी तरह से रिश्तेदार बन जाते हैं, किनशिप डेवलप हो जाता है, हालांकि इनके बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं है। तो इसी बेस पे जो किनशिप है, जो रिश्तेदारी है, वो दो तरह की होती है। एक होती है एफिनल किनशिप और एक होती है कंजाजीनियस। दोस्तों ये जो है थोड़ा सा आप इसमें अभी यहाँ पे कट गया है, ठीक है। कंजाजीनियस एक किनशिप होती है, एफिनियल जो होता है एफिनल किनशिप, इसमें आप ब्लड रिलेशन से जुड़े होते हैं, मतलब मम्मी पापा भाई बहन, और कंजाजीनियस जो होता है इसमें आप मैरिज से जुड़ते हैं। ओके, तो दो तरह की किनशिप होती है। तो किनशिप हमारे सोसाइटी की एक खूबी है, एक फीचर है। उसके बाद एक जो इंस्टीट्यूशन है मैरिज, हमारे यहाँ शादी विवाह बड़े धूमधाम से होता है, बाराती सज धज के जाते हैं क्रीम पाउडर लगा के। तो मैरिज क्या है? मैरिज क्या है? मैरिज एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है दोस्तों। ये कोई वेस्टर्न कंट्री की तरह ये कोई एक कॉन्ट्रैक्ट या बॉन्ड नहीं है कि हम आपसे शादी कर लिए, जब मन करेगा तो हम अलग भी हो जाएंगे, तमाम चीजें। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ शादी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। इट इज ए रिलेशनशिप विच इज सोशली अप्रूव्ड एंड सैंक्शंड बाई द कस्टम एंड लॉ। हमारे यहाँ का जो सोशल कस्टम है वो भी उसको अप्रूव करता है, और उसके साथ साथ हमारे यहाँ का जो लॉ है वो भी अप्रूव करता है। इट इज ऑल्सो ए सेट ऑफ कल्चरल मैकेनिज्म। आप वेस्टर्न कंट्री में देखिए तो इधर से दुल्हन आ गई, इधर से दूल्हा आ गया, यहाँ से दो गवाह आ गए, इधर से शायद दो ही गवाह होते हैं, एक इधर से एक इधर से, और उसके बाद एक इनके पास डायरी होती है, और यहाँ पे एक प्रीस्ट होता है जो कि कहा कि ये आप क्या इनको दुल्हन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं? इन्होंने कहा हाँ। ये कहते हैं कि हम इनको दूल्हे के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि आपको तैयार है? ये तैयार हो गए। उसके बाद कहते हैं किस करो, किस कर लिए, सिग्नेचर कर दिए, शादी खत्म। 1 घंटे में शादी, 2 घंटे में हनीमून भी खत्म हो जाता है, और अगले तीसरे तीसरे घंटे में डाइवोर्स भी हो जाता है इसी वजह से। लेकिन इंडिया में दोस्तों ये एक पूरा फुल नाइट चलने वाला एक मैकेनिज्म है ना, सांस्कृतिक मैकेनिज्म है, कल्चरल मैकेनिज्म है, ये सांस्कृतिक प्रक्रिया है ये, विच इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली। भाई लंबा प्रोसेस में अगर कोई शादी हो रही है, लंबा प्रोसेस में कोई काम हो रहा है, तो उसको तोड़ने में भी टाइम लगता है, और इसीलिए हमारे यहाँ जो शादियाँ हो जाती हैं उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर उसके बाद इट इज मोर आर लेस ए यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इंडिया में ये यूनिवर्सल है, मतलब ये कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहीं पे भी आप जाइए, जो शादी वाला प्रोग्राम आपको दिखने को मिलेगा वो लगभग सिमिलर ही देखने को मिलेगा। हिंदू हैं तो रात वाला प्रोग्राम चलता है, मुस्लिम है तो दिन वाला प्रोग्राम चलता है, दिन भर पूरा खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, मजा करते हैं, फिर शादी करते हैं, दुल्हन घर लाते हैं, है ना। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है। उसके बाद अब जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है इसमें भी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज आए हैं। किस तरह से? इसके पहली बात तो एम्स एंड पर्पज ही चेंज हो गए, उसके उद्देश्य भी चेंज हो गए। प्राचीन काल में दोस्तों ये एक धर्म या ड्यूटी माना जाता था, लेकिन अभी क्या है, अभी ये माना जाता है कि ऐसे ठीक ठाक देख के शादी कर लो जो जीवन भर चल जाए, जीवन बीत जाए दोनों लोग का, है ना। तो अभी ये धर्म नहीं रहा, अभी ये क्या हो गया, ये एक वाइफ और हस्बैंड के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश की जाती है। तो ये चेंजेज हैं। फिर उसके बाद चेंजेज इन द फॉर्म ऑफ द मैरिज। पहले क्या था, पॉलीगैमी होती थी, एक दूल्हा कई दुल्हन होते थे, लेकिन अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुश्किल है। दो कारण है, एक तो ये कि पॉलीगैमी हमारे यहाँ प्रोहिबिटेड है लीगली, उसके बाद दोस्तों ये इकोनॉमिकली भी प्रोहिबिटेड है। आप एक को तो संभाल नहीं पाते हैं, दो तीन रख लेंगे तो आपका तो बाल ही खत्म हो जाएगा, है ना, तो पूरा तमाशा बन जाएगा जीवन का। तो अभी जो है ये लीगली तो प्रोहिबिटेड है ही है, इकोनॉमिकली ये भी फिजिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद चेंजेज इन द एज ऑफ मैरिजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम समय समय पर इसको चेंज करते रहते हैं। अभी 21 और 18 है बॉयज एंड गर्ल्स का, इसको और भी बढ़ाने की बात कही जा रही है, मोदी साहब ने इसका हिंट भी दे दिया है, तो देखिए अभी आगे क्या होता है। उसके बाद इंक्रीज इन द डाइवोर्स एंड डिसर्शन, डाइवोर्स भी तेजी से हो रहा है, डिसर्शन भी तेजी से हो रहा है। उसके बाद लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा है ये भी बढ़ रहा है, इसको तो क्या ही कहने। फिर
तो ये जो मैरिज इंस्टीट्यूशंस है इसमें भी चेंजेज आ रहे हैं। फिर उसके बाद अगला जो हमारा फीचर है वो है फैमिली का। हम एक फैमिली, एक परिवार के रूप में रहते हैं। फैमिली क्या है? फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है, मतलब इंडियन सोसाइटी का जो बेसिक यूनिट है दोस्तों, वो है फैमिली। इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट। किसी भी बच्चे के लिए ये पहला इन्वायरमेंट होता है। कैसा इन्वायरमेंट? पहला सोशल इन्वायरमेंट होता है जहाँ पे वो चीज़ों को सीखता है, सोशल चीज़ों को सीखता है कि भाई कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है, पिता कौन है ना, उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, कैसे लैंग्वेज यूज करनी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। इट इज़ द फैमिली ए चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज सीखता है, बिहेवियरल पैटर्न सीखता है, सोशल नॉर्म सीखता है कि किसी भी सोसाइटी में अगर रहना है तो हम क्या, अगर किसी सोसाइटी के हिस्सा हैं तो उस सोसाइटी के नॉर्म्स को पूरा करना है। और ये जो नॉर्म्स होता है उसको सिखाने का काम कौन करता है? इमीडिएट फैमिली आपकी। फिर उसके बाद जो फैमिली सिस्टम है दोस्तों, वो आप किसी भी सोसाइटी में देख लीजिए, चाहे वो ट्राइबल हो, रूरल हो, अर्बन हो, कहीं पे भी हो, तो ये फैमिली सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। अब जो हमारे यहाँ फैमिली है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, उसके गुणधर्म क्या क्या है? फैमिली बेसिक और डेफिनिट इंड्यूरिंग ग्रुप है, एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। फिर उसके बाद फैमिली इज फॉर्म बाई या रिलेटिवली ड्यूरेबल कंपेनियनशिप ऑफ हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रेन। ये सब सारी चीजें हो सकती हैं। हस्बैंड होगा, वाइफ होगा, इवन कभी कभी हस्बैंड है मतलब कि एक डैड है, पापा हैं और उनका बेटा है, ये भी एक फैमिली है। या फिर मम्मी है, मम्मी के साथ बेटी या बेटा है, पापा के साथ बेटी या बेटा है, वो भी एक फैमिली है। तो इस तरह से भी फैमिली हो सकती है, इस तरह की भी फैमिली हमारे यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद हमारे यहाँ फैमिली स्मॉलर साइज का भी देखने को मिलता है। शहरों में आप जाकर के देखिए तो केवल वाइफ, हस्बैंड और एक बच्चा है। या फिर लार्ज फैमिली भी हमको देखने को मिलता है। साउथ इंडिया में चले जाइए तो लगता है पूरी बारात ही है, वो फैमिली नहीं, पूरी बारात ही है। तो लार्ज और स्मॉल दोनों तरह की फैमिली हमको देखने को मिलती है। अगर हम फैमिली के फंक्शन की बात करें दोस्तों, तो फंक्शन में दो तरह के फंक्शन है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी। प्राइमरी फंक्शन में देखिए, प्रोडक्शन एंड रियरिंग, मतलब पैदा करना और उनका पालन पालन पोषण करना, एक फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन। फिर उसके बाद प्रोविजन ऑफ होम, बच्चे को घर प्रोवाइड करवाना। फिर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, ऑब्वियसली जैसा कि हमने बताया कि हमारा जो जो भी कल्चरल डेवलपमेंट स्टार्टिंग में होता है दोस्तों, किसी भी कल्चर को लेकर के जो हमारा एटीट्यूड डेवलप होता है उसका, उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो फैमिली के ही लोग होते हैं। हालांकि बाद में चल के हम ज़्यादा पढ़ लिख लें, ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे, रेशनलाइज करने लगे, साइंटिफिक अप्रोच रखें, तो हमारा एटीट्यूड चेंज भी होता है, लेकिन जो इमीडिएट डेवलपमेंट होता है वो कहाँ से होता है? फैमिली से ही होता है। फिर उसके बाद एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण का जो एजेंट है वो कौन है? आपके मम्मी पापा, भाई बहन, घर के लोग हैं। फिर उसके बाद स्टेटस, आपको एक स्टेटस मिलता है सोसाइटी में, और उसके साथ साथ सोसाइटी में आपका फंक्शन क्या है उस फंक्शन का भी एक स्टेटस मिलता है। और यहीं से जो कास्ट सिस्टम की डिफिकल्टी है वो भी बढ़ने लगती है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, पीछे हमने देखा भी। फिर उसके बाद एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल, आप चोरी चमारी करके आओगे सबसे पहले पापा ही दो थप्पड़ लगाते हैं, ठीक है? तो सोशल कंट्रोल भी कहाँ से मिलता है आपको? फैमिली से ही मिलता है। सेकेंडरी फंक्शन में अगर हम बात करें तो पहला एजुकेशनल फंक्शन, फैमिली प्रोवाइड द बेसिस फॉर चाइल्ड्स फॉर्मल लर्निंग लर्निंग। एक तो देखिए, आप स्कूल में जाकर के क्या सीखते हैं? मैथ, इंग्लिश, लैंग्वेज और सारी चीजें। लेकिन उसके साथ जो अदर एजुकेशन होता है, जो आपका एक सामाजिक शिक्षा होती है, उस शिक्षा को प्रोवाइड करने का जो भार होता है वो किसके ऊपर होता है? फैमिली के ऊपर होता है। फिर उसके बाद आपका जो रिलीजियस फंक्शन है उसके लिए प्रिपेयर आपको कौन करता है? फैमिली करता है। फैमिली इज अ सेंटर फॉर द रिलीजियस ट्रेनिंग ऑफ द चिल्ड्रन। रिलीजियस कोई भी वर्क है, कोई फंक्शन है, उसमें आपको ट्रेन कौन करता है? जो आपकी फैमिली होती है वो ट्रेन करती है। फिर उसके बाद रिक्रिएशनल फंक्शनल फंक्शंस, मतलब कि प्लेइंग इंडोर गेम्स, डांसिंग, सिंगिंग, रीडिंग, ये सब सारी चीज़ें कौन सिखाता है आपको? फैमिली सिखाती है। तो इसके साथ हम देखते हैं कि जो फैमिली का हमारा अभी तक रोल रहा है, कैरेक्टरिस्टिक्स रहा है, उसके स्ट्रक्चर रहे हैं, फंक्शन रहे हैं, उसमें चेंजेज भी देखने को मिले। जिस तरह से मैरिज में, जिस तरह से कास्ट सिस्टम में, है ना, जिस तरह से किनशिप सिस्टम में चेंजेज हुए हैं, उसी तरह से फैमिली में भी चेंजेज हुए हैं। चेंजेज इन फैमिली, इंस्टेड ऑफ ऑल मेंबर्स वर्किंग, कोई एक व्यक्ति तो काम कर रहा है, पूरे घर का खर्चा चला रहा है, ये
चेंज हो रहा है। अभी देखिए, अभी इसमें चेंजेस क्या आ रहे हैं, पहले एक मेंबर था वो कमाता था, घर पर बैठ के कमाते खाते थे, लेकिन अभी क्या है, वाइफ हस्बैंड दोनों कमा रहे हैं और बच्चा केवल मजा ले रहा है ना, तो ये चेंज आ रहा है। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारा एक इस तरह से समझ लीजिए जो कॉम्प्लेक्स लार्ज फैमिली होती थी, अभी वो जो है छोटी फैमिली में बदल गई है। फिर उसके बाद लेजिस्लेटिव मेजर्स, बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेटिव मेजर्स बनाए गए जिसकी वजह से फैमिली का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन है वो चेंज हुआ है। जैसे अर्ली मैरिज को बैन किया गया है, अर्ली मैरिज को प्रोहिबिट करने की बात की गई है। उसके बाद हिंदू रीमैरिज एक्ट या हिंदू मैरिज एक्ट, ये भी हिंदुओं में जो शादी की व्यवस्था है उसके रीमैरिज, विधवा विवाह की, उसमें परिवर्तन आए हैं। फिर और इसकी वजह से जो उनका एजुकेशन पीरियड है उसमें परिवर्तन आया हुआ है। फिर उसके बाद चेंजेज इन मैरिज सिस्टम, चेंजेज इन द एज ऑफ मैरिज, फ्रीडम इज मेट सेलेक्शन, ये सब सारे चेंजेज आ रहे हैं। लव मैरिज हो रहा है, पहले स्वयंवर हुआ करते थे, अभी लव मैरिज हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप हो रहा है। तो परिवार तो है लेकिन उसमें उतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग नहीं है। फिर उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यूज, वेस्टर्न वैल्यूज की वजह से ही भी चेंजेज आ रहे हैं। कैसे वैल्यूज, वैल्यूज रिलेटिंग टू द मॉडर्न साइंस, रेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इक्वलिटी, फ्री लाइफ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ वीमेन, ये सब सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ज़्यादा प्रभावित किए हैं हमारे यहाँ के जो फैमिली इंस्टीट्यूशन है उसको, है ना। अभी फैमिली को लेकर के उतना ज़्यादा लोग कंसियस नहीं होते हैं जितना कि पहले हुआ करते थे। फिर उसके बाद चेंजेज इन द पोजीशन ऑफ वीमेन, ऑब्वियसली ये बहुत तेजी से बदल रहा है, तो इसकी वजह से भी परिवार में, परिवार के फंक्शन में, परिवार की संरचना में, परिवार के स्ट्रक्चर और स्टेटस में, दोनों तीनों चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि जो सालियंट फीचर वाला पोर्शन था ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर इसमें आप किसी भी तरह का कोई भी सुधार चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, उसके बारे में हम सोचेंगे और उसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।